हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वार की फली। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर करीबन एक से डेढ़ बड़ा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा डाला है, वो अच्छे से क्रैकल हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज को लंबा लंबा चॉप्ड करके पतला पतला काट कर इसमें डाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्याज है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और इसे हम हल्का सा करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम यहाँ पर इसे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को थोड़ा सा हाथ से कूट कर मैंने इसमें डाला है। मैंने इसे फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, हल्का हल्का बारीक हाथ से कूट कर मैंने इसे डाला है। और ऐसे ही हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने बारीक यहाँ पीस कर इसी तरीके से डाला है। तो हम तीनों चीज़ को अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद हम यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फली। यहाँ पर मैंने फलियों को काट कर अच्छे से वॉश करके तैयार कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फलियाँ हैं वो अच्छे से तैयार हैं। और अब हम इन्हें कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो हमने प्याज लहसुन का जो हमने यहाँ पर छोका लगाया है उसके साथ इसे अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी फलियां हैं ये अच्छे से प्याज और लहसुन अदरक के साथ मिल चुकी हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे। करीब हम आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाला है इनके ऊपर से। और दोबारा से इसके साथ नमक को मिलाकर हम इसे एक लिड से कवर कर देंगे। तो करीब हम 7 से 8 मिनट के लिए हम इसी तरीके से लिड से इसे कवर करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे हम बीच बीच में चलाते रहें। अगर आप इसे बीच में नहीं चलाएंगे तो जो हमारी फलियां हैं वो नीचे लग जाएंगी। अगर नॉनस्टिक कढ़ाई है तो वो नीचे नहीं लगेंगी। और अगर आपने नॉर्मल जो सिल्वर की कढ़ाई होती है उसमें बनाएंगे तो वो नीचे जल्दी से लग जाएंगी। इसलिए आप इसे चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कंटिन्यू चलाया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाथ से प्रेस करके इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि हमारी जो फलियां हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में मैंने यहाँ आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी ऐड की है। और आधा चम्मच के करीब ही हम इस पर लाल मिर्च ऐड करेंगे। और उसके बाद आधा चम्मच के करीब ही हम इसके ऊपर से धनिया स्प्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे मसाले अच्छे से मैंने मिला दिए हैं। और उसके बाद नंबर आता है नमक का। तो नमक हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले भी नमक डाला था, इसलिए स्वाद अनुसार आप अपने अनुसार नमक डाल लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 टमाटर का फाइन पेस्ट और हरी मिर्च के साथ इसे पीस कर इसके ऊपर से डाल दिया है। तो आप फाइन पेस्ट करके इसके ऊपर से डाल दें। और उसके बाद हम इसे मसाले के और जो हमने टमाटो प्योरी जो बनाकर तैयार की है उसके साथ अपनी फलियों को अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक जो मसाला है वो अच्छे से इनमें तैयार होकर मिल जाएगा और ये थोड़ी सी मसाले वाली बनकर तैयार होंगे। और उसके बाद हम दोबारा से 6 से 7 मिनट के लिए इन्हें लिड से कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फलियां हैं फाइनली बनकर तैयार हो गई हैं। और एक मसाले की जो कोटिंग होती है वो अच्छे से हमारी फलियों के ऊपर आ गई है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर से स्प्रेड करेंगे गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला फलियों में खाना पसंद करते हैं तो आप इसे इसमें ज़रूर डालें। और अगर आप फली में गरम मसाला नहीं खाना पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हमारी जो फलियां हैं वो फाइनली बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मसालेदार हमारी जो फलियां हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप इन्हें किसी भी पराठे, राइस, चावल किसी के भी साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।